करता है 70%, 30% लोगों को भी, लेकिन पैसे वालों को 31% को कम करता है। तो एक थियरी है, देकर देकर देखिए, गो ऑन गिविंग ड्रग्स, चेंज करो। वो बीच में डॉक्टर से चेंज करते हैं, डॉक्टर ब्रांड चेंज करते हैं, बस उतना ही होता है। लास्ट में पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और दूसरा है नकली दवा गोलियां, किसी भी सिस्टम में हो, किसी भी देश में हो, इधर इंडिया में भी अमेरिका में भी 40-45% से ज़्यादा गोलियों में ओरिजिनल दवा की जगह में मैदा का आटा, गेहूं का आटा, चाक पाउडर ऐसा लगाते हैं, क्योंकि लाभ के लिए, ठीक है। इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, डॉक्टर उसको पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सपोज एक डायबिटिक पेशेंट को वो ड्रग डाइट सब ठीक करता है, फिर भी ये दवा 100% काम नहीं करता है ना, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं ना, वो बेहोश हो जाता है, तो उसका किडनी का डैमेज जल्दी हो सकता है। 63% ऑफ डायबिटीज आफ्टर 20 ईयर्स दे गोइंग फॉर किडनी डैमेज, सो वो जल्दी आ सकता है। और हार्ट वीकनेस, साइलेंट हार्ट अटैक, और ब्रेन का प्रॉब्लम, पैरालिसिस, आंखों का अंधा होना, ये सब कॉम्प्लिकेशन वो जल्दी आता रहता है। दुनिया भर ऐसे भी बहुत सारे कंपनी पता लगाते हैं, अमेरिका जैसे देश में उनको फाइन लगाते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, वही कंपनी इंडिया में आकर दूसरा नाम रखकर चला है। हम सब उसको बलिदान दे रहे हैं हमारा जीवन को, ओके। रोग आया, पता लगाया, दवा कम नहीं करता है, क्योंकि कीटाणु रेजिस्टेंट हो गया। कीटाणु तीन है तो भी बैक्टीरिया वायरस दवा काम नहीं करता है, दवा काम नहीं करता है, बैक्टीरिया नहीं सुनता है, दवा अच्छा है तो ये दोनों कॉम्बिनेशन से बहुत नुकसान होता है। तीसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स इन अवर एग्रीकल्चर, माने हमारा सब्जी फल वो जो भी हो हम इस्तेमाल करते हैं खाते हैं, उसमें पेटेंट उन सबका 95% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पेटेंट कम फ्रॉम अमेरिका, वो उनके परमिशन के बिना ये इसको नहीं ग्रोथ कर सकते हैं दूसरे ब्रांड से, इसका ब्रांड को विदाउट परमिशन नहीं यूज कर सकते, रूई को भी प्रॉब्लम होता है। तो उसमें क्या है थियरी, जेनेटिकली मॉडिफाई में वो बिजनेस की वजह से ज़्यादा जल्दी फसल लेने की कारण से जल्दी ग्रोथ होता है, ठीक है। एक बैंगन इतना बड़ा होता है 3 दिन में, आपका मालूम है हाइब्रिड, और उसमें प्रॉब्लम ये है वो ये क्वालिटी लाने के लिए वो ये जो फल या सब्जी होता है कोई भी हो 90% वो ही चलता है, उसके अंदर जो कीटनाशक पेस्टिसाइड होता है वो बीज के अंदर ही रखते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसको पता लगा के डॉक्टर्सों ने, एग्रीकल्चर साइंटिस्टों ने केस लगाए, दुनिया भर 5,000 से ज़्यादा केसेस है, वो लगाए कि इनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करना, लेकिन अमेरिका नहीं कर सकता है वैसा, क्योंकि वो सभी पैसा देते हैं, सभी गवर्नमेंट में है, वो लोग इलेक्शन का फंड देते हैं, डराते हैं, ठीक है। और वो भी वो जवाब देते हैं कोर्ट में ऐसा, देखो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, उससे बहुत रोग आता है, इसलिए हमने बीज में थोड़ा सा लगाया, थोड़ा नहीं ज़्यादा भी लगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे फाइनली कैंसर आता है और मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, समझिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही अभी धंधा कर सकता है, क्योंकि लोगों को मल्टी ऑर्गन, किडनी गया, लीवर गया, ठीक है, हार्ट गया, ब्रेन गया, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, एक नहीं बहुत सारे अवयव अंदर काम नहीं करता है, या एकदम कैंसर आ जाता है या काम नहीं करता है, ये तीन प्रॉब्लम्स है हम रोग। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संघ भी बोलता है अभी अपना खाने में पौष्टिकांश लगाकर, और जो भी चीज़ इस दुनिया में पुराने जमाने से या अभी साइंटिफिक रिसर्च से आपको रोग निरोध शक्ति देता है, ओके, इम्यूनिटी, उसको इस्तेमाल कीजिए, काई स्पिरुलिना में है, ठीक है, मोरिंगी में है, और हमारा बहुत प्रोडक्ट के बहुत रूप में है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए चाइना और जापान के लोग बहुत लंबा जीवन, दीर्घ
दीर्घायुष स्वस्थ जीवन और निरोगी और एंजॉय करते हैं उसको आप इस्तेमाल करना है ऐसा पता नहीं विश्व और DSM भी अभी विश्व में जॉइन हो गया है और बहुत सारे 500 करोड़ का प्रोडक्ट उनको देने का है इथियोपिया फार्मलैंड से मैंने आधा रेट में एक ले तो एक फ्री ऐसा करके कुछ स्कीम है हेल्प करने को दुनिया के लोगों को तो ये प्रॉब्लम है अभी इम्यूनिटी का वायरस हो वायरल डिसीज कीटाणु हो या बैक्टीरिया हो उसको वो रेजिस्टेंट हुए तो कुछ नहीं कर सकते हाल ही में अभी 4 महीने से मेरा डॉक्टर क्लास में जो 45 बरस के बाद में हम देखने गए तो कोमा में है अभी 4 महीने से क्या हुआ था हमको अपडी ओनर है बेटा बाप सभी 8 डॉक्टर है घर में बोलते हैं वायरल फीवर ऑर्डिनरी वायरल फीवर वो बोलते हैं एक नाम बोलते हैं उसका भी ट्रीटमेंट है क्या हुआ मालूम नहीं जी बिकेम इनटू कोमा बेहोश में है अक्टूबर 16 से अभी 4 महीने हो गया ठीक है दुनिया में क्या चलता मालूम ICU में है हमको बहुत दुख हुआ किसी को भी हो पेशेंट हो किसी को भी हो मैंने ये इतना आजकल ऑर्डिनरी हम क्या समझते हैं क्या टेस्टिंग नहीं कर पा सकते हैं करने के बाद में भी दवा नहीं है तो शी स्टिल इन कोमा एवरीडे वी आर गेटिंग मैसेज फ्रॉम आवर व्हाट्सएप ग्रुप डॉक्टर What is Dr. Kusum's situation? Same thing. Open eyes but can't recognize. So brain degeneration, brain problem. So ऐसा किसी को भी हो सकता है ठीक है किसी को भी हो सकता है तो आजकल के जमाने में सिर्फ एक ही मंत्र है हमारा रोग निरोध शक्ति हम ऊपर लाना है ठीक है हाइएस्ट मैक्सिमम वो कैसा वो हमारे पास शुक्र है कि हमको ज्ञानोदय मिला है अभी बहुत लोगों को मालूम नहीं है ना ये इसलिए ऐसे समझना है आप इसको ये आपका पूर्व जन्म का पुण्य होगा कि आपको DSM अस्पताल में आया के दोस्त के द्वारा उनको आप शुक्र करना है और मुझे भी बहुत लोग ऐसा छोड़ देते हैं कभी आएंगे जब थोड़ा प्रॉब्लम होता है आएंगे प्रॉब्लम नहीं है बहुत लोग हैं इंडिया में ठीक है वो ऐसा नहीं है लेकिन दुख होता है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट है तो भी नहीं ले पाते हैं उनका जानकारी नहीं होता है ठीक है तो ये है बेस्ट कंपनी अच्छे प्रोडक्ट नो साइड इफेक्ट नो रिएक्शन नो एलर्जी भी ऐसा तरह का मशरूम कोई क्लोज स्पोर्स है ये हवा में नहीं होता है तो इसमें आप